very good are you rocking or not मेरे भाई I think uh, getting like pretty good response man from outside uh, all my fans and my new fans are very happy to see me the way I was inside the house so सबको बहुत खुशी है इस बात की कि you know I was part of Big Boss uh, OTT but genuinely बता मेरे भाई कि तकलीफ हुई थी क्योंकि जब तुम घर के अंदर जा रहे थे तुमने हुँ. openly कहा था कि यार ये मेरे लिए relaunch है मैं अपने आप establish करना चाहता हूँ and इतनी जल्दी बाहर आना

याद अच्छा सुनो मैं पिछले हाँ। हफ्ते उर्फी जावेद से बात कर रहा था उर्फी ओके okay. तो अच्छा। मैंने तुम्हारा नाम लिया मैंने कहा वॉट योर माइंड आई से जी तो उन्होंने ओपनली कहा कि यार करनाथ वॉज नॉट विजिबल इन द शो उन्होंने हाँ। कुछ नहीं किया वो माने अच्छा। ना के बराबर थे इज वॉट थिंकिंग डू यू अग्री टू दैट और डू यू थिंक मेरे ख्याल से आई थिंक uh, उर्फी शायद विजिबल नहीं थी शो में एंड आई थिंक उसका जो बॉन्ड था जी के साथ वो एकदम ही वीक मतलब था ही नहीं बॉन्ड एक जगह मुझे याद है एक, एक टास्क था जहां पर जीशान एंड उर्फी मुझसे लड़ रहे थे झगड़ रहे थे थर्ड पोजिशन के लिए पता नहीं आप लोग को याद है कि आपने देखा है, है कि नहीं वो वो, वो टास्क जहां मेरे और रिधिमा के साथ वो लड़ रहे थे एंड हम यही कह रहे थे कि हमारा कनेक्शन रिदमा और मेरा कनेक्शन आप लोग से बेटर इसलिए है क्योंकि आप लोग साथ में दिख ही नहीं रहे शो में जीशान अलग बैठा बैठा रहता था उर्फी अलग से बैठी रहती थी तो दैट्स नेक्स्ट डे क्या हुआ नेक्स्ट डे ने मतलब उर्फी को निकाल दिया रेड बजर दबा के एक सेकंड नहीं लगा सो यू नो उनका एक कनेक्शन था ही नहीं एंड uh, उर्फी think, अगर चाहती तो डे से यू नो शी शुड ऑन मतलब वो उनके इनिशियल पार्टनर तो वही थे भाई एक सिचुएशन आया था जहां रिधिमा ने जी. केमिकल डाला था दिव्या के सर पर जी जी दैट क्रिएटेड अ ह्यूज ड्रामा आउटसाइड एज वेल उसके बाद दिव्या और रिधिमा के बीच में बहुत अनबन हो गई थी रिधिमा भी रोने लगी थी दिव्या got very very upset व्हाट्स योर टेक ऑन दैट मेरे भाई ब्रदर टू बी ऑनेस्ट जो रिधिमा ने किया था वो ऑब्वियसली गलत था वो डैमेज uh, कर सकता था उनके आइज़ लेकिन गॉड इज ग्रेट कि वो बच गए बट रिधिमा के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा अभी वो uh, उसने

हो जाते हैं यू नो लाइक उस टाइम पे गुस्सा आता है एंड क्यों आपने कैसे किया मेरे साथ उनने भी फिर बाल्टी से आई थिंक रिदिमा की तरफ चार्ज हुए थे रिदिमा को लगी भी थी पर रिदिमा ने रिएक्ट नहीं किया तो रिदिमा को मालूम था तो उसने गलत चीज की थी जिसके लिए वो काफी अपॉलोजेटिक सॉरी भी बोला था दिव्या से एंड दिव्या ने वो चीज दिव्या भूल भी गई थी जल्दी उसने उसको माफ भी कर दिया था बिकॉज वो जानती थी कि उसने जान के नहीं किया ये चीज तो अगर अगर रिदिमा की जगह कोई और होता अगर मुस होती मुस्कान होता तो शायद दिव्या नहीं माफ करती उससे हम सब मिस्टेक करते हैं यार हम सब मिस्टेक करते हैं लाइफ में उससे भी गलती होगी थी उस टाइम पर यू you नो know भाई करण जौहर के बारे में नेटिसन जो है इंटरनेट पे जो हमारे आ, दोस्त हैं जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि यू नो व्हाट करण जौहर बाइस्ड है क्योंकि वो शमिता पे इतने हावी नहीं होते और हर हफ्ते वो टूट पड़ते हैं दिव्या अग्रवाल पर वीक आफ्टर वीक इस पर आपको क्या कहना है मुझे तो ऐसा लगा था कि करण मेरे टूवर्ड्स भी थोड़ा

आर्ग्यूमेंट विद प्रतीक के साथ मेरा एक झगड़ा टाइप आर्ग्यूमेंट जैसा हुआ था एंड वहां कोई कैमरा एंगल से ऐसा लग रहा था कि मैं मुस्कान के टुवर्ड चार्ज हुआ बट ऐसा कुछ नहीं था कि मुस्कान ने कुछ बदतमीजी से कुछ चीजें कही थी उसने बट मेरा मैं गया था टूवर्ड्स प्रतीक ही एंड मैंने शो में पहले भी क्लियरली बोला कि मुझे मैं कोई भी औरतों के साथ मैरी भिड़ने वाला वन टू वन क्योंकि मैं वैसे इंसान नहीं हूँ रियल लाइफ में भी

तुम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए डिस्पाइट हैविंग पावरफुल बैकिंग लाइक योर फादर राकेश नाथ हाँ जी देखिए मैं सभी जानते हैं कि आ, पापा एंड माधुरी जी और फैंटेस्टिक टीम टुगेदर उन्होंने राज किया है काफी साल इंडस्ट्री में एंड उस आ, मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मुझे थोड़ा आ, फील तो होता ही है आ, खाली यही है कि मुझे शायद इतना लक मुझे मिला नहीं नसीब नहीं हुआ मेरे लाइफ में मैंने कोशिश तो बहुत की बहुत साल मैंने कोशिश की, कुछ अच्छा करने की। मुझे, मुझे तो जर्नी लीड कर रहा हूँ ऐसा कभी था जब फिल्में तुम्हें नहीं मिल रही थी जी तो तुमने क्या माधुरी दीक्षित को फोन करने की कोशिश की और कहा कि सपोर्ट करो हेल्प करो पर आप उनसे भी पूछ सकते हैं मैंने कभी भी उनसे कभी नहीं फोन करके बोला कि मुझे आप प्रमोट कीजिए मुझे आप या तो मुझे मेरे बारे में आप यू नो you know, लोगों से बात कीजिए कभी भी नहीं वॉट कम्स टू योर माइंड और दिल से बोलना मेरे भाई वेन आई टेक नेम्स अक्षरा सिंह जो शतरंज चेस खेलते नेक्स्ट मूव मेरी क्या होगी शी इज दैट शी इज अ प्लान प्लेयर निशांत भट्ट निशांत शकुनी मामा है वो तो उसे मतलब वो तो मैंने उसको पहले दिन से वो टाइटल दिया था शकुनी मामा का नाम दे दिया था बिकॉज वो उसका मालूम है कौन से टाइम पे मिर्ची लगानी है इंस्टिगेट करना है किसी को एंड uh, यू you नो know, उसे अपना uh, मतलब नेक्स्ट चाल चलनी है इज आल्सो अगेन गुड प्लेयर प्रतीक सहजपाल आई थिंक प्रतीक को अभी अपनी सुननी चाहिए दूसरों की नहीं क्योंकि वो अभी तक तो अक्षरा की सुन रहे थे वो घोड़ा बना हुआ था तो अक्षरा का घोड़ा बन गया था अभी आई होप अभी नेहा के साथ अभी नाउ ही कंट्रोल नेहा रैदर देन नेहा कंट्रोलिंग हिम सो या

एक और राकेश है राकेश बहुत अच्छा मेरा एक बड़ा भाई जैसा बन गया था शो में बहुत अच्छा इंसान है बहुत ही काम है शांत है एंड वेरी रिस्पेक्टफुल गुड गाय दिव्या डेफिनेटली uh, उसने मेरा शो में बहुत ध्यान रखा उसने मेरे भाई भा, 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 हमेशा पूछते थे भाई क्या खाओगे क्या पियोगे आपने कुछ खाया कि नहीं आपने कुछ पिया कि नहीं यहाँ तक कि उसको मालूम था तो मुझे रात को भूख लगती थी बारह एक बजे तो मेरे लिए वो म्यूजरी भी वो ड्रॉ में छुपा के रखती थी थी और बोलती थी देखो देखो भाई यहाँ छुपा के रखा हो मैंने इसको दूध के साथ खा लेना यू नो मतलब म्यूजरी को मतलब तो मेरा बहुत ध्यान रखा उसने डे वन हमारा अच्छा प्योर कनेक्शन था तो डेफिनेटली दिव्या एंड रिदेमा ऑफकोर्स मेरी पार्टनर थी शो में एंड हमारा एक रैपो अच्छा था काफी सिंपल लड़की है अच्छी लड़की है इस uh, नेहा, नेहा शो, थी थी, शो में जो मैं कर रही हूँ मुझे जज मत करना बाहर आके मैं तुम्हारी फ्रेंड रहना चाहूंगी तुम्हें बता ये यस तो ये चार तो पक्का करण का स्वयं अगर होता अरे भाई किसको चूज करोगे इनमें से इन करण का स्वयंवर शमिता शेट्टी रिधिमा अक्षरा उर्फी या कोई और नाम घर में है जिसे मैंने तो रिधिमा का ही नाम लूंगा क्योंकि वो मेरी पार्टनर थी शो में इसलिए और कोई रीजन नहीं है अभी क्या करूं मैं कोई तो नाम लेना पड़ेगा मैं ये तो नहीं बोल सकता आपको मुझे कोई नाम नहीं लेना है इनमें से बट <laughs> uh, रिधिमा और तुम्हारा पोटेंशियल है टू गो टू द नेक्स्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप के अलावा भी फॉर थिंग्स टू हैपन रोमांटिक आई मीन आई मेट अ नाइस गर्ल शो में अच्छी लड़की से मैं इसको पहले से एक्चुअली हमारी कॉमन फ्रेंड है आरती सिंह आप जानते होंगे आरती तो उन्होंने दिमाग को बता दिया तो मुझे बता दे कि हम हम लोग शो के लिए जा रहे हैं तो एक हाँ, हमारा एक पहले से एक था कनेक्शन एंड बट एज ऑफ नाउ वी आर ओनली फ्रेंड्स एंड दैट्स इट आई थिंक डू पोटेंशियल नो आई 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 कांट सी एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज़ शी इज ओनली अ फ्रेंड ऑफ माइन दैट्स इट ハハハ。<laughs>